नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है बल्कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, और न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #MaskPehnoIndia। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआत ममता की धरना पॉलिटिक्स के साथ। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग लगातार जारी है, और इसी बीच ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठ गई हैं करीब ढाई घंटे से ममता गांधी मूर्ति के पास अकेले धरने पर बैठी हुई हैं। टीएमसी के किसी नेता को उनके साथ आने की इजाजत नहीं दी गई है। ममता बनर्जी का यह धरना चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक दिन पहले ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे की रोक लगा दी थी। ममता ने कुछ दिन पहले एक रैली के दौरान मुस्लिम वोटर से वोट न बंटने की अपील की थी। चुनाव आयोग की यह कार्रवाई इसी बयान के ऊपर की गई है। चुनाव आयोग इन मामलों में ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने आचार संहिता तोड़ने का दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की। धरने पर अकेली बैठी ममता बनर्जी ने पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है, लेकिन इस सबके बीच उन्होंने पेंटिंग बनाई और लोगों को भी दिखाई। सीधा रुख कर लेते हैं अमित की तरफ, कोलकाता, जहां पर गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई वहां पर मौजूद हैं। अमित, कहां मौजूद हैं आप, क्या जानकारी देंगे, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, तकरीबन ढाई घंटे होने जा रहा है जब ममता बनर्जी लगातार अनशन पर बैठी हुई हैं। इससे पहले इन्होंने, जब ममता बनर्जी 11:35 पर यहाँ पर पहुंची, उसके बाद इन्होंने पेंटिंग बनाया ही नहीं, यहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को भी दिखाया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ममता बनर्जी की वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। इस वक्त वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, और देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी अभी भी व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। लगातार तकरीबन ढाई घंटे होने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी इसी तरीके से यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और अनशन कर रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ अनशन कर रही हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार करने से इन्हें 24 घंटे के लिए रोक दिया है, बैन लगा दिया है, उसके ये यहाँ पर इस तरीके से अनशन पर बैठी हुई है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा गायत्री, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कतार में जो चेयर पर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी के हाथ में वो कार्ड लिए हुए हैं, वो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चेयर लगा के ये बैठे हुए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ब्लैक डे डेमोक्रेसी, और बंगाली में लिखा हुआ है लज्जा लज्जा। इस तरीके से ये लोग यहाँ पर चुनाव आयोग के खिलाफ बिना कुछ बोले हुए यहाँ पर लगातार ये बैठे हुए हैं प्ले कार्ड उठाकर। और दूसरी तस्वीर में आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है टीएमसी का कोई भी यहाँ पर बैनर पोस्टर यहाँ पर नहीं दिखा सकते। देखिए यहाँ पर ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लोग लगातार इस तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको गायत्री यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो सड़क है, इस सड़क पर टीएमसी के जो समर्थक हैं वो टीएमसी के समर्थक जो हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है ताकि ये रास्ता जाम ना हो जाए, जो आम लोगों को परेशानी ना होना उठाना पड़े। जितने भी यहाँ पर टीएमसी के समर्थक या ममता बनर्जी के समर्थक हैं, किसी के हाथ में आप पार्टी के झंडा पोस्टर नहीं देख सकती हैं, ना ही ममता बनर्जी के समर्थन में कोई पोस्टर, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ मना किया है कि ममता बनर्जी अकेले ही यहाँ पर बैठेंगी वो धरने पर, उनके अलावा यहाँ पर कोई यहाँ पर धरने पर नहीं बैठ सकता, टीएमसी का कोई नेता यहाँ पर धरने पर नहीं बैठ सकता है। एक तरफ लोग हैं, दूसरी तरफ मीडिया का हुजूम है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की सीएम जो है, मुख्यमंत्री, वो बैठी हुई है अनशन पर, तो दूसरी तरफ मीडिया का हुजूम है, तीसरी तरफ जरूर कुछ समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी के हाथ में आप कोई भी पोस्टर टीएमसी पार्टी का झंडा आप नहीं देख सकते। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया है, ममता बनर्जी को इजाजत जरूर दी है प्रदर्शन करने के लिए, अनशन करने के लिए, लेकिन कोई बिना पोस्टर के, ढाई घंटे का समय हो चुका है, ममता बनर्जी लगातार बैठी हुई है, और आज रात जैसे ही 8 बजे ये यहाँ पर उनका चुनाव प्रचार खत्म का जो बैन है वो खत्म होगा, उसके बाद वो सीधा बारासात जाएंगी यहाँ से चुनाव प्रचार करने के लिए, कैंपेन करने के लिए। बारासात जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है, और बारासात से रिटर्न विधाननगर की तरफ एक दूसरा प्रचार होगा, वो तकरीबन रात को 9:30 बजे होगा, यानी जैसे ही 8 बजे इनका बैन खत्म होगा उसके बाद ममता बनर्जी 2 कैंपेन करने जा रही है। जी ठीक है, लौट रहे अमित आपके पास। ममता की धरने वाली सियासत को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमला बोल रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले को सही बताते हुए एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरा।
ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है। और डिफीट के बाद की क्या किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रहीं। और वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे हैं बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको चुनाव से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय ना मानते हुए और रास्ता में उतर के आंदोलन कर रही है। ममता बनर्जी के प्रचार करने पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। टीएमसी ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया, तो शिवसेना और आरजेडी ने भी चुनाव आयोग से इस फैसले पर सवाल खड़े किए। कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रही है तो सिर्फ ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों, ये सवाल लोगों के मन में उठ सकता है। ऐसे ओरिजिनल महाभारत में जो युद्ध खेला गया था उसमें भी नियमों का पालन नहीं हुआ था, सबको मालूम है। जो शिखंडी है उनके आड़ में भी युद्ध जीता था, तो पश्चिम बंगाल में ये शिखंडी कौन है जिसके आड़ में कोई युद्ध जीतना चाहता है? एकदम असंवैधानिक लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रहेगी। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, महास की तस्वीरें तो दिखाई ही, लेकिन साथ ही सवाल ये कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग के एक्शन के खिलाफ धरना देकर दिखाने की कोशिश क्या करें? दिलीप घोष पर भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। अब अगर वो भी धरने पर बैठ जाएंगे, सब जिनके खिलाफ एक्शन होता है वो सब धरने पर बैठ जाएंगे, तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की बात मानेगा कौन? फिर मतलब ही क्या है ऐसी संस्था का? देखिए गायत्री, राहुल सिन्हा को भी 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है चुनाव प्रचार से। दिलीप घोष पर भी को भी वार्निंग दी गई है। तो वही ममता बनर्जी को जब 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर बैन कर दिया गया है तो ममता बनर्जी वो धरना पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, चार फेज हो चुके हैं, चार फेज अभी बाकी है, लेकिन सुर्खियों में बने रहना है, क्योंकि ममता बनर्जी इकलौती टीएमसी की नेता है जो कि 294 सीटों पर लगातार उनको कैंपेन करना है, तो जाहिर तौर पर उन्हें किसी भी तरीके से सुर्खियों पर बने रहना है। और इसी वजह से देखिए तस्वीरों में ममता बनर्जी इस वक्त जो है वो अनशन पर बैठी हुई है, और जैसे ही 8 बजे रात को ये अनशन इनका जो बैन है वो खत्म होगा, चुनाव प्रचार पर लगा बैन, उसके बाद ममता बनर्जी यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर के दूरी पर बारासात जाएंगी। बारासात में वो वहां पर कैंपेन करेंगी और फिर बारासात से वापसी आते वक्त विधाननगर विधानसभा में भी वो कैंपेन करेंगी। वो वहां का समय 9:30 बजे है, तो यानी चुनाव आयोग ने तो उन पर बैन लगा दिया, लेकिन उस बैन में भी किस तरीके से चर्चाओं में बनी रहे, किस तरीके से सिंपैथी वोट उनको मिल सके, उसकी राजनीति यहाँ पर की जा रही है, उसकी पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है। और इसी वजह से जो है ममता बनर्जी जो है वो अनशन पर बैठी हुई है, लाइमलाइट में रहना चाहती है कि किस तरीके से वो एक जताने की कोशिश कर रही है चुनाव आयोग पर, जिस तरीके से वो फर्स्ट फेज से जैसे वो लगातार जिस तरीके से हमलावर है उसी अपने इमेज को बरकरार रखना चाहती है। नंदीग्राम में भी उन्होंने उसी इमेज को बरकरार रखा था जिस तरीके से सीआरपीएफ सीआईएसएफ उन्होंने सवाल उठाए थे, और अभी जब वो अनशन पर बैठी है और जब उन पर बैन लगाया गया है 24 घंटे का चुनाव प्रचार को, तब भी वो चुनाव आयोग पर हमलावर है, यहाँ कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन केवल वो बैठी हुई है, अपने तस्वीरों से ही वो हर कुछ बयां कर रही है और बंगाल के वासियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक मैसेज देना चाहती है। नहीं कहा है उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग का ये जो कदम है असंवैधानिक है। लौटेंगे अमित आपके पास, क्योंकि जो संदेश देने की कोशिश ममता बनर्जी करें क्या उसमें कामयाब हुई है या फिर नहीं? बंगाल में भड़काऊ भाषण देने वालों पर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के साथ ही बीजेपी नेताओं पर भी के भी चुनाव
प्रचार पर रोक लगा दी है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के प्रचार पर 2 दिन की रोक लगा दी है। राहुल सिन्हा ने कहा था कि अर्धसैनिक बलों को 4 की जगह 8 लोगों को मारना चाहिए था। इसके अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को नोटिस भेजकर कल सुबह 10 बजे तक उनसे जवाब मांगा गया है। घोष पर भड़काऊ भाषण का आरोप है। दिलीप घोष ने अर्धसैनिक बलों पर जो बयान दिया था उसे चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला बताया था। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को भी भड़काऊ बयान मामले में चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी को यह चेतावनी उस बयान पर दी गई जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को बेगम कहा था और ममता को वोट देने का मतलब मिनी पाकिस्तान को वोट देना कहा था। और इससे पहले भी बीजेपी नेताओं पर चुनाव आयोग उनके बयानों को लेकर सख्त हो चुका है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब ममता बनर्जी की तरफ से जो आप बता रहे हैं कि चर्चा में बने रहने की कोशिश, और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कोशिश यह है कि वो किस तरीके से जनता तक अपना संदेश पहुंचाएं, लेकिन क्या वो कामयाब होंगी? क्या उन्होंने प्रशांत किशोर का ऑडियो सुना है जिसमें प्रशांत किशोर खुद ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण किया, अब तक लेफ्ट ने भी तुष्टीकरण किया, और ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई तो उसी बयान पर है जिसमें वो एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मुस्लिम वोट बटने मत दीजिएगा। तो अब इस धरने का कोई मतलब रह जाता है क्या? देखिए, अभी भी 4 फेज पश्चिम बंगाल चुनाव के बाकी हैं। वो 4 फेज काफ़ी ज़्यादा अहम है। टीएमसी चाहेगी इन 4 फेज में ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें जीते और किसी भी तरीके से वो बंगाल के की सरकार पे एक बार फिर से टीएमसी वापसी करे और तीसरी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद पर की शपथ जो है वो ममता बनर्जी लें। ये कोशिश ममता बनर्जी की है, ये कोशिश टीएमसी की है, और शायद ये कोई कोर कसर, भले ही प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक हुआ हो, भले ही तमाम आरोप लगे हों, भले ही चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है चुनाव प्रचार पर, लेकिन ममता बनर्जी का जिस तरीके से जो इमेज है उनका, फाइटिंग लेडी का, जिस तरीके से उन्होंने नंदीग्राम में अपना एक इमेज पेश करने की कोशिश की, भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गई चुनाव लड़ने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वही इमेज कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी इमेज को दिखाते हुए 2011 में पहली बार सत्ता में वापस आई थी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और वही इमेज को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रही हैं। और उसी वजह से देखिए, जो ममता बनर्जी का नेचर था, जिस तरीके से वो बयानबाजी करती है, जिस तरीके से वो भाषण देती है, जिस तरीके से वो अनशन करती है, जिस तरीके से वो धरना देती है, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन 2005-6-7 में जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके वजह से 2011 में वो सत्ता में वापिस आई थी, तो कहीं ना कहीं उसी अपने इमेज को दोहराने की कोशिश हो रही है ममता बनर्जी को, और शायद इसीलिए जिस तरीके से पहले वो चुनाव आयोग के बारे में लगातार हमला हुआ। लेकिन ये सवाल तो जनता पूछेगी ना कि बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है, तो क्या अब भी चुनाव आयोग असंवैधानिक है जैसा कि ममता बनर्जी बता रही हैं? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अंतिम 3 चरणों में भी प्रचार को 72 घंटे पहले खत्म कर सकता है। 5वें चरण का मतदान खत्म करने के बाद आयोग समीक्षा करेगा, समीक्षा करने के बाद आयोग 72 घंटे पहले प्रचार खत्म करने पर करेगा विचार। 5वें चरण में चुनाव आयोग ने प्रचार 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले खत्म कर दिया है। कूचबिहार की घटना और राजनीतिक तौर पर आरोपों प्रत्यारोपों के बीच खराब माहौल की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को लेकर विचार किया जाएगा कि क्या प्रचार को पहले ही खत्म कर दिया जाए। अमित, यानी अब चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा कि जो बाकी आगे के जो चरण होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं प्रचार पहले खत्म करने पर विचार हो सकता है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से कूचबिहार का इंसिडेंट हमने देखा जिसमें आरोप लगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कि उनकी गोलियों से 5 लोगों की जानें चली गईं, अमित शाह ने भी उस पर बयान दिया, प्रधानमंत्री ने दुख जताया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत चौपर से वो कूचबिहार पहुँच गई, वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि दी, मृतकों को श्रद्धांजलि दी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सामान्य रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो, उसके लिए चुनाव आयोग इस तरीके की 72 घंटे से पहले जो है जो चुनाव प्रचार है उससे खत्म करने की बात कर रहा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखा जाए, क्योंकि हमने बीते 4 फेज में हमने देखा किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुआ था। जो आखिरी फेज हुआ है उसमें लॉकेट चैटर्जी के सिंचाई का पानी मिल जाए, इसलिए एक ही जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपया किसानों की सिंचाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का।
हर किसान के खाते में सरकार बनते ही 18,000 रुपया सीधा ट्रांसफर नरेंद्र मोदी जी करने वाले, सीधा हर किसान। और उसके बाद बंगाल की सरकार हर साल 10,000 रुपया भेजेगी। मित्रों, छोटे और सीमांत किसान को उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1,000 करोड़ रुपया उत्तर बंगाल के अंदर हिमालयन बौद्ध सर्किट, क्वीन ऑफ हिल्स सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करेंगे। और टूरिज्म इंडस्ट्री में आने वाले 3 साल तक 100% माफी टैक्स की कर दी जाएगी। एक कूच बिहार हवाई अड्डा, उसको फिर से हम निर्मित कर आपके यहां कूच बिहार हवाई अड्डा बनाने का काम करेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और बच्चों को मेट्रो दिखानी है तो आपको अब कलकत्ते नहीं जाना पड़ेगा, सिलीगुड़ी में मेट्रो ट्रेन बनने वाली है, आपके बच्चे भी मेट्रो देख पाएंगे। मित्रों, हम एक वीर नारायणी सेना की बटालियन भी राजवंशी समाज ने सालों तक उत्तर बंगाल को मुगलों के प्रभाव से मुक्त रखा था। इसकी स्मृति में वीर नारायणी सेना बनाने का काम भी करेंगे। और ठाकुर पंचानन बर्मन के लिए 250 करोड़ का एक स्मारक बनाने का काम करेंगे। गोरखा भाइयों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं, इनका राजनीतिक समाधान हम लाएंगे। नेपाली भाषा में दूरदर्शन चालू किया जाएगा। नेपाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपया खर्च हर साल बंगाल सरकार करने वाली है। और गोरखा नेपाली भाषा को राज्य में अधिकृत भाषा का दर्जा देकर मेरे नेपाली और गोरखा भाइयों का सम्मान करने का हम काम करें। राजवंशी हो, नेपाली हो, चाहे आदिवासी, चाहे चाय बागान का मजदूर हो, सबका विकास करना ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, मोदी जी की नीति है। मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है गरीबों के लिए। हर एक के घर में गैस पहुंचा, हर एक गरीब को घर देना चाहती, हर गरीब के घर में बिजली भेजी, हर गरीब को स्वास्थ्य की योजना देने वाले हैं, हर किसान को 10,000 रुपया हर साल देने वाले हैं, हर महिला के लिए टॉयलेट बनाया गया है। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए, योजना मतलब स्कीम 115, और दीदी 115 कैंप लेकर आई है करप्शन के। मोदी जी के मन में बंगाल के गरीब